पीरियड्स हो जाते हैं लेडीज़ को, तो उस टाइम पे हम ये यूज़ कर सकते हैं। और मेफ्टाल इस्पात भी, गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं क्लिनिक पर, सुबह हो गई है, वहाँ पे पहुँच के मिलते हैं। लेट हो रहा हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, पूरा मौसम आज बड़ा ख़राब हो रहा है। सुबह से ही रात भर पूरी बारिश हुई है, देखो बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। तो अभी जा रहे हैं क्लिनिक पर, पहुँच के मिलते हैं वहीं पर। और लेट हो गया हूँ काफ़ी टाइम, क्या हो गया टाइम काफ़ी हो चुका है, 10:05 हो रहे हैं। कॉल आ रही है, देखो मेडिकल से कॉल आ रही है, क्लिनिक पे कोई नहीं है ना, मुझे ही पहुंचना है। तो पहुंचते हैं पहले वहाँ पे, फिर मिलते हैं। अपन आ गए हैं गाइज क्लिनिक पर, और आज पूरा दिन ने यहीं पे ही काटना है, आज ये पूरा दिन इसी क्लिनिक पर ही है, आराम से यहीं बैठेंगे, यहीं पे पेशेंट देखेंगे। बाल भी बड़े हो गए काफ़ी, ठीक ही है। गाइज हम क्लिनिक पे आ गए हैं, अब पेशेंट भी देख लिए, इंजेक्शन भी लग रहे हैं। तो अभी क्या करना है कि अभी मेडिकल वाले भी नहीं है गाइज, मेडिकल वाले पता नहीं कहाँ चले गए, थोड़ी देर के लिए बोल के गए कि अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आप देख लो। मैं ठीक है, चलो फिर मैं आपको दर्शन कराता हूँ मेडिकल के, और मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है। तो चलते हैं मेडिकल। तो गाइज ये है मेडिकल, और मैं आपको बताता हूँ, चलो सिरप से स्टार्ट करते हैं। केला ड्रिल ये एक लोशन है, स्किन एलर्जी होती है तभी लगाते हैं। अगर किसी को स्टोन है, पेट में पथरी है, मतलब पेट में क्या किडनी में स्टोन है, तो हम उसके लिए ये लेते हैं 10 ml दिन में 3 बार पानी के साथ में। और ये भी स्टोन निकालने के लिए नीरज सिरप है ना, ये आपकी कोल्ड के लिए, फीवर कोल्ड हो रहा है अगर, मतलब रनिंग नोज है किसी को, तो उसके लिए ले सकते हैं, है ना। और ऑइंटमेंट्स, चलो ये बताता हूँ, क्लिंडामाइसिन अगर किसी के दाग दाग वो दाग होते हैं ना, फेस पे दाग हैं तो उसको क्लियर करने के लिए है ना। और बहुत सारे हैं, ये भी ये एलर्जी के लिए हैं, ये एलर्जी के लिए, एलर्जी के लिए ज़्यादा है, ये पेन किलर ट्यूब है ये वाला, ये चोट लग जाती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। बाकी इंजेक्शन हैं इधर रखे हुए, और अगर किसी को खाना नहीं पच रहा है और तब हम ये ले लेते हैं म्यूकिन जेल, खाना नहीं पच रहा है, गैस्ट्रिक ज़्यादा हो रही है उसके लिए है। और ये बच्चों के लिए ओवन वाटर करके आता है, जैसे ग्राइप वाटर आता है ऐसे ही आता है। और नेक्स्ट डोन ये हमारे माइग्रेन के, अगर किसी का पेन है तो उसके लिए यूज़ होती है नेक्स्ट डोम 250 500। ये DSR कैप्सूल है गैस्ट्रिक का, ये एंटी एलर्जी का है, मोन्ट्रियल सी करके उसका जेनरिक है ये। और ऊपर बैद्यनाथ के ये रखे हुए हैं कि मतलब किसी की अगर रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसके लिए हम ये ले लेते हैं इसके लिए, है ना। और ये इसी के लिए हैं लाल, ये हिमालय का आइटम है। इधर इधर कप सिरप रखे हुए हैं, ये भी कप सिरप है ऊपर, कोई सा भी, ये ड्राई कप के लिए हैं, ये भी ड्राई कप के लिए हैं, ये ड्राई कप के लिए हैं, ये वेट कप के लिए हैं, वेट कप होता है तो मतलब वेलकम वाला, तो उसके लिए ये है, ये भी वेट कप के लिए हैं। एम्ब्रोडिल एस्टलिन ये भी, ये कम यूज़ करते हैं क्योंकि इससे नींद भी आ जाती है कभी कभी, किसी किसी को सूट नहीं करता। इधर मेडिसिन में ये पेन किलर और सॉइलिंग के काम आती है, और ये मसल्स में पेन है, अगर बॉडी में पेन है, शरीर में मसल्स में पेन है, जैसे बॉडी कहीं कभी कोई भी पेन है उसके लिए, अगर मसल्स में मांस में दर्द होता है तो उसके लिए हम ये लेते हैं क्लोरोजोक्साजोन साल्ट जो है ये इसको यूज़ करते हैं। ये गैस्ट्रिक का हो गया, ये एंटीबायोटिक है एलमॉक्स करके, एमोक्सिसिलिन टेक्सिम ये भी एमोक्सिस वो है एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक है, ये एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लोरोफिनेट के साथ में आता है, 500 mg इसमें एमोक्सिसिलिन है और 125 mg पोटेशियम।
और क्या है ये एल्डोपर, ये लूज मोशन के काम में आता है एल्डोपर। मेट्रोजिल भी है, मेट्रोजिल भी ये लूज मोशन के काम में आती है। ये स्पोरोलेक का पाउडर है, अगर किसी को लूज मोशन हो रहे हैं तो उसको हम ये भी साथ में दे देते हैं ताकि उसका पेट अच्छा रहे, ठीक से लूज मोशन कंट्रोल हो जाए। ये भी लूज मोशन में यूज़ कर सकते हैं, और ओरिनिडाजोल और ऑफ्लोक्सेसिन के साथ में ये वाली। किसी के जॉइंट्स में पेन है, अगर विटामिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो हम ये यूज़ करते हैं, मतलब वीकली एक देते हैं, वीक में एक बार, डेली नहीं लेना है ये, ध्यान रखना ये वीक में नहीं है, डेली नहीं है, वीक में एक बार ही लेते हैं। ये सिप्लॉक्स है, सिप्लॉक्स 500 mg, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन होता है इसमें, ये वाला एंटीबायोटिक है, आप ले सकते हैं। बीकासुल है इसके अंदर, और ये हेल्थ ओके है, जैसे कि कमज़ोरी हो रही है किसी को तो आप ये ले सकते हैं, इससे थोड़ा सा एनर्जी रहती है पूरे दिन हेल्थ ओके से। और ये जिनको बेट है ये भी उसी काम में आती है, मल्टीविटामिन टैबलेट है। एक ये ड्रोटाबेरिन इस्पास एसिप्लोफेनिक, जैसे किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो उसके टाइम पे हम ले सकते हैं, जैसे पीरियड्स हो जाते हैं लेडीज़ को तो उस टाइम पे हम ये यूज़ कर सकते हैं। और मेफ्टाल इस्पास भी उसी टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पीरियड्स में पेन होता है उस टाइम पे, जैसे लेडीज़ों में, तो उसके लिए ये। और साइक्लोपाम हमारी ये पेन किलर है और फीवर के लिए, दोनों के काम आती है, फीवर में भी काम आती है और पेन में भी काम आती है, मतलब पेट के दर्द और फीवर दोनों। अगर किसी को फीवर हो रहा है पेट में दर्द के साथ में, तब आप देखें ये क्या है, ये ट्रामाडोल है गाइस। तो जैसे हायर पेन किलर है ये कैप्सूल है हायर, तो ये जब लेते हैं तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज दर्द है। जैसे अल्ट्रासेट आती है ना, ये वही है, अल्ट्रासेट वाला साल्ट है ये, सेम ये जेनरिक में है, बट कोई नहीं, हायर एंटीबायोटिक हायर पेन किलर है ये अल्ट्रासेट। टर्मिनाफिन, जैसे कि मान लो एलर्जी वगैरह हो रही है, एलर्जी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टर्मिनाफिन 250 mg, 500 mg, दो आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ये लिक्विड ORS है। गाइस आज मैंने आपको बहुत सारी नॉलेज दे दी मेडिसिन के बारे में। अगर नॉर्मली अगर किसी को तबीयत ख़राब होती है तो वो अपना घर पर रह के इलाज कर सकता है मेरी ये वीडियो देखने के बाद। इतना तो बता दिया कि हाँ फास्ट एड टैबलेट मैंने आपको बता दी कि मतलब इमरजेंसी में आप अपने पास ये रख सकते हैं, रात बरात किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप ले सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठकर आप डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं। बस यही है मेरा बताने का कि आप रात को अपना इमरजेंसी में ले सकते हैं, ये नहीं कि हाँ आप किसी को ही फॉलो करके और ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भाई डॉक्टर की सजेशन भी ज़रूरी है अभी, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पाऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हो रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको बस इमरजेंसी में बता दिया कि इमरजेंसी में आप ये सब यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कभी मेडिकल वाले पता नहीं कब आएंगे। गाइस अभी मन हो रहा है चाय पीने का, शाम हो चुकी है, खाना वगैरह तो खा लिया है, 6 बजने वाला है, 5 मिनट्स है, तो यहाँ पे तो कोई है नहीं लेके आने के लिए, तो अभी क्या करना है मुझे, जाके खुद ही लेके आनी पड़ेगी, तो मैं ही जाता हूँ, मैं ही लेके आता हूँ। ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ರೇಟ್ಗೆ 250 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಇವಾಗ ಇರೋ ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ। गाइस मैं अभी अभी गया था रेनकोट लेने के लिए, तो फटाफट लेके आ गए बारिश होने से पहले ही, और अभी कितनी तेज़ बारिश हो रही है देखो, बहुत तेज़ बारिश है पीछे, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। लाइट में दिख रही होगी बहुत तेज़ बारिश है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा हो रही है बारिश, सब ट्रैफिक
लगा हुआ है और बारिश हो रही है, तेज पानी भरा हुआ है सड़कों पे। गाइस बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है सड़कों पर। वो तो अच्छा है कि आज मैं रेनकोट ले आया, पूरा फुल पैक हूँ, आज अंदर से नहीं भीगने वाला, तो इसलिए मज़े ले रहा हूँ। बारिश में बहुत आराम से है और फ़ोन तो वाटर रेसिडेंस है ही, कोई दिक्कत नहीं आने वाली फ़ोन को भी, इसलिए बारिश में भीग रहे हैं दोनों, फ़ोन भी और मैं भी, मज़ा आ रहा है बहुत। तो मैं तो आ गया हूँ गाइस रूम पे, बट मैं पूरा भीगा नहीं, अंदर से तो सूखा हुआ हूँ, बट मेरे जूते मोजे भीग गए, उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, लेकिन मैं अभी ठीक हूँ। ये फेस मेरा इसलिए हो गया, अभी हेलमेट उतारा था ना, इसलिए मेरे बाल और ये फेस भीग गया, बाकी तो सब ठीक है। गाइस अभी सोने का टाइम हो गया, सोने का टाइम है तो 12:09 हो गए, अभी सोते हैं। और आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी, और आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी मेरी वीडियो से, मेडिसिन की नॉलेज जो मैंने आपको बताई है थोड़ी सी, तो ज़रूर कमेंट करके बताएँ, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट मंथ, बाय।